साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएम मोदी को मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। राजीव गांधी जैसा हाल करने की धमकी दी थी, पुलिस ने कोची में बढ़ाई सुरक्षा। अमित शाह ने केसीआर पर किया वार, बोले तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे। केसीआर की पार्टी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में। उद्धव ठाकरे के निशाने पर चुनाव आयोग, बोले चुनाव आयोग को मोतिया बिंद हो गया है, उसे नहीं दिखता शिवसेना किसकी। केरल के कांग्रेस नेता विक्टर थॉमस ने थामा भाजपा का दामन, जावड़ेकर की मौजूदगी में हुए पार्टी में शामिल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का बड़ा बयान, बोले सिंधु जल संधि को दुनिया की सबसे पवित्र समझौता करार दिया। केरल दौरे से पहले पीएम मोदी पर हमलावर हुई माकपा, कहा पुलवामा पर जवाब दे प्रधानमंत्री। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का सख्त संदेश, बोले अगर कोई एनसीपी को तोड़ने की कोशिश करेगा तो अपनाएंगे कड़ा रुख। कर्नाटक में राहुल गांधी का भाजपा पर वार, बोली भाजपा की सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है। असम पुलिस ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास को दिया नोटिस, महिला नेता की शिकायत पर हो सकती है गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं सुलझ रहा दिग्विजय सिंधिया का झगड़ा, बीच में हुई सामंतों की एंट्री, पंडा पुजारी नाराज। सिद्धारमैया के लिंगायत वाले बयान पर भड़के सीएम बसवराज, मुंबई का चुनाव में जनता जवाब देगी। अमृतपाल की वजह से रात भर जागे पंजाब, सीएम मान, बोले 18 मार्च को भी पकड़ सकते थे लेकिन तब गोलियां चलानी पड़ती। देशवासियों से हाथ जोड़कर बोले पहलवान, कहा न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दे, बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचे। भारत चीन में कमांडर लेवल की 18वें दौर की बातचीत, एलएसी पर सैनिक तनाव का कम करने की सहित कई मुद्दों पर हुई बातचीत। अगले 15-20 दिनों में गिर जाएगी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, शिवसेना नेता संजय राउत ने किया दावा, बोले गवर्नमेंट का डेथ वारंट जारी हो चुका है। बीजेपी ने जारी की 7 प्रत्याशियों की लिस्ट, कानपुर से प्रमिला पांडे, अयोध्या से गिरीश पति और गाजियाबाद से सुनीता दयाल को मिला टिकट। परिवारवाद विरोधी नीति पर भारी पड़े राज्य मंत्री, बीजेपी ने दिनेश खट्टी को 2 बहनों को दिया टिकट, वर्षा सहारनपुर और सुधा मेरठ से चेयरमैन प्रत्याशी। शाहजहांपुर मेयर सीट पर तीनों मंत्रियों ने झोंकी ताकत, सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई अर्चना वर्मा। इटावा सदर सीट से बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को उतारा, पूर्व विधायक स्वर्गीय अशोक दुबे की पत्नी कुसुम दुबे लड़ेंगे चुनाव, समर्थकों ने किया स्वागत।
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बोले क्राइम फ्री यूपी कर रही है योगी सरकार। प्रयागराज में मनीष शुक्ला ने कहा सभी 17 नगर निगमों में खिलेगा कमल। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, पुलिस मौत की वजह बता रही है एक्सीडेंट, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। कानपुर के हैलेट अस्पताल में लगी आग, जच्चा बच्चा वार्ड के मीटिंग हॉल में उठी लपटे, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू। झांसी में युवक की गला काटकर हत्या, प्रेमिका को भगाने में जेल गया, फिर उसी से लव मैरिज की, लड़की के परिवार वाले फरार। मेरठ में साइड मांगने पर युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक के परिजनों को घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा, आरोपी फरार। प्रेमिका से मिलने आए सेल्स मैनेजर की हत्या, सुल्तानपुर में रात 3 बजे पहुंचा पति पत्नी ने पहले पीटा फिर कुल्हाड़ी से काट डाला। पांच साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, पड़ोसी के घर में मिला शव, शाम को अचानक खेलते खेलते हो गई थी गायब। जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध, हमले में कई घायल, मुजफ्फरनगर के गांव आदमपुर में संघर्ष, 2 आरोपी हिरासत में। तेज आंधी के कारण जड़ से उखड़ा बरगद का पेड़, चायल में टूटे बिजली के पोल, आम व महुए की फसल हुई प्रभावित। नवाबगंज में तेज रफ्तार 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत, युवक की मौत, देर शाम घर खेत से लौट रहे थे घर। टिकट की घोषणा के बाद पार्टी में बगावत, लक्ष्मी सोनी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री की पत्नी है लक्ष्मी। लखनऊ एसटीएफ ने बिहार के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 40 करोड़ की चरस बरामद, तस्करी के बदले मिलते 50,000 रुपए। मेरठ में साइड लगने को लेकर मारपीट, ई रिक्शा सवार दबंगों ने ऑटो सवार महिला व बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। धनौरा में अज्ञात कारणों से एक मकान में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर राख, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फतेहपुर एसपी ने फायर स्टेशन का किया औचक निरीक्षण, अलर्ट घंटी बजाकर कर्मियों की गणना की, आग लगने की सूचना पर पानी की देखी व्यवस्था। फिरोजाबाद में करंट लगने से महिला की मौत, नहाने के लिए गर्म पानी की थी, पशुओं में मचा कोहरा। मोदी नगर में दबंगों ने बच्ची से की अश्लील हरकतें, विरोध करने पर परिजनों को मारपीट कर किया घायल, किराए पर गद्दा लेने आए थे। भदोही के डेंगुरपुर में टूटा पीपे का पुल, गंगा में बने पुल के टूटने से यातायात हुआ बंद, तेज आंधी की वजह से बह गए पुल के कई पीपे। देवरिया में टीएसआई से उलझने वाले 2 युवकों पर मुकदमा, ईद के दिन गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। मेरठ में बस चालक की टक्कर से टाटा मैजिक पलटी, महिला की मौत, बच्चे सहित 24 लोग घायल, ईद मनाने के बाद घर लौट रहा था परिवार। संभल में बाइक सवार की सरेरा गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई गोलियां, एसपी बोले जल्द करेंगे घटना का वर्कआउट।
अनूप शहर में जंगली जानवर ने युवक पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल। वन विभाग की टीम चला रही थी तलाशी अभियान। श्रावस्ती में 35 वारंटी गिरफ्तार, ऑपरेशन धरपकड़ के तहत हुई कार्रवाई, जिले भर से चला अभियान। छात्र की हत्या करने वाला 25,000 का इनामी गिरफ्तार, बड़ौत में छोटे भाई ने 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर मरवाया था। मऊ में ट्रेन की टक्कर से अधेड़ महिला घायल, लोगों ने जिला अस्पताल में कराए भर्ती, ट्रॉमा सेंटर रेफर। एक 1,70,00,000 का गांजा हुआ बरामद, मथुरा के तस्कर उड़ीसा से लाए थे गांजा, 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सीएम धामी ने दी हार्दिक शुभकामनाएं, बोले पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य है। सीएम धामी ने प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण, मैं और तेजी लाने हेतु दिए निर्देश। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा बयान, वन भूमि पर अवैध रूप से बने मंदिर, मस्जिद और मजार सब टूटेंगे। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, चमोली और चंपावत में बनेंगे सैनिक स्कूल, जखोली में 10 करोड़ खर्च कर फिर ठंडे बस्ते में प्रस्ताव। उत्तराखंड पहुंचे साक्षी महाराज, बोले लव जिहाद पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कानून बोले उत्तराखंड देवताओं और संतों की भूमि है। अंतिम पड़ाव गौरीकुंड पहुंची बाबा केदार की डोली, रावल भीमाशंकर लिंग विधाम के लिए हुए रवाना। उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे, लखनऊ महाराष्ट्र तक के नाम पर है भूमि दर्ज। उत्तराखंड में अगले एक हफ्ते खराब रहेगा मौसम का मिजाज, 3 जिलों में एवलांच की चेतावनी। उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम पहुंचे मध्य प्रदेश के यात्री की अचानक बिगड़ी तबियत, हृदय गति रुकने से मौत। केदारनाथ धाम में हादसा, निरीक्षण के लिए पहुंचे यूकाडा के वित्त नियंत्रक की हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से मौत। उत्तराखंड पुलिस को मिली सफलता, पंजाब के 2 गैंगस्टर गिरफ्तार, व्यापारी की सूचना पर मिली कामयाबी। उत्तराखंड में गंगा को छोड़कर सभी नदियों पर रिवर राफ्टिंग शुल्क माफ, स्थानीय लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। उत्तराखंड के 4 जिलों में बर्फीले तूफान, कोले कल अलर्ट, केदारनाथ यात्रा के पंजीकरण पर लगाई रोक। देहरादून की किशोरी से पठानकोट में कई बार दुष्कर्म, बहला फुसलाकर घर से ले गया था मैकेनिक। कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी जारी, प्रदेश में 86 नए कोरोना संक्रमित मिले, सक्रिय मरीजों की संख्या 336 पहुंची। अमेरिका के प्लेन से टकराए पक्षी, 20 मिनट तक उड़ता रहा विमान, टेक ऑफ के बाद 20 मिनट तक उड़ता रहा विमान।
यूक्रेन के राजदूत का बड़ा दावा, कहा पुतिन मर जाते तो खुशी होती, वो जीनियस नहीं भ्रष्ट है, उनके बाद आने वाला शख्स और बदतर होगा। सूडान में लड़ाई के बीच इंटरनेट बंद, सऊदी अरब ने कुछ भारतीयों को निकाला, भारत ने जिहाद में 2 एयरक्राफ्ट स्टैंड बॉय रखे। केन्या में 29 लोगों ने भूखे रहकर जान दी, पादरी ने कहा था इससे जन्नत मिलेगी, अब पुलिस कब्र से शव निकाल रही है। ताइवान के विदेश मंत्री बोले 2027 में हमला करेगा चीन का, हम जंग की तैयारी कर रहे हैं, पहले चीन ने कहा था पूरा ताइवान हमारा। पिज्जा सर्व करते समय रेस्टोरेंट पे लगी आग, एल्कोहल ब्लो टॉर्च के साथ कुकिंग ट्रिक दिखा रहा था वेटर, 2 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। एक बार फिर न्यूजीलैंड की धरती कांपी, 7.2 की तीव्रता पर आए जोरदार भूकंप, सुबह सुबह महसूस किए गए झटके। अमेरिका में लापता 2 भारतीय छात्रों का शव, झील में मिला, अशोक वाटिका के पास बनेगा ध्यान केंद्र। कोहिनूर के विवादों से बच रहा है ब्रिटिश शाही परिवार, भारत की वजह से लिया बड़ा फैसला, मुकुट में बदलाव के पहले ही दिए थे संकेत। ब्रिटेन ने सूडान में जारी जंग के बीच अपने दूतावास अफसरों के परिवार को बाहर निकाला, पीएम सुनक ने जमकर तारीफ की। अक्षय कुमार, वीरेंद्र सहवाग ने टीबीओएफ में किया निवेश, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स ने बेचता ये स्टार्टअप, किसानों की मदद भी करती है कंपनी। जल्द नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी की अनाउंसमेंट करेगी सरकार, जीएसटी रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम भी लाएगी। ट्विटर ने बिना सब्सक्रिप्शन वाले कई यूजर्स को लौटाया ब्लू टिक, इसमें शाहरुख खान उमर अब्दुल्ला शामिल। हुंडई ने क्रेटा वेन्यू i20 को किया अपडेट, अब तीनों कारों के पीछे सीट पर भी 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगा। पच्चीस अप्रैल को शुरू होगी देश की पहली वाटर मेट्रो, कोची में प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी, फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क का भी इनॉग्रेशन करेंगे। भारत के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 6 स्थान की छलांग, 2018 में 44वें स्थान पर था काबिज। हिसार में तैयार हो रहा देश का 20% स्टेनलेस स्टील, जापान ब्रिटेन समेत 18 देशों में हो रहा है निर्यात, कच्चे माल का होता है आयात। भारत में एक से ज्यादा जीवंत शेयर बाजार की जरूरत, बीएसई सीईओ बोले हम इस दिशा में कर रहे हैं काम। क्रिप्टो को लेकर सीतारमण का बड़ा बयान, बोले क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए वैश्विक सहमति जरूरी, मिलकर करना होगा काम। एफपीआई ने अप्रैल में भारतीय शेयर बाजार में बढ़ाए निवेश, अब तक 8643 करोड़ का रुपए डाले हैं। पचास साल के हुए सचिन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए वनडे का शतक, दूसरा सचिन मिलना नामुमकिन। पचासवें बर्थडे पर सचिन बोलेंगे मेरी सबसे धीमी हाफ सेंचुरी, इसने मुझे जीना सिखाया, मेरे फैंस मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहूंगा।
जन्मदिन के मौके पर मास्टर ब्लास्टर पर बरसी दुआएं। शास्त्री ने लिखा, आप जीवन में शतक पूरा करें, 24 अप्रैल को नेशनल क्रिकेट डे घोषित होगा। सीएसके ने जीत की हैट्रिक लगाई, कोलकाता को 49 रन से हराया, टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर टेबल टॉपर बने। कोहली की कप्तानी में लगातार दूसरा मैच जीता बेंगलुरु, राजस्थान को 7 रन से हराए, टू प्लेसेस मैक्सवेल की अर्धशतकीय पारियां। जडेजा ने महेंद्र सिंह को बताया करियर का मसीहा, बोले बचपन में कोच महेंद्र सिंह चौहान ने संभाला। आईपीएल 16 के बाद धोनी का क्रिकेट को अलविदा कहना तय, एक बार फिर हुआ कंफर्म, पहले भी दिए संन्यास के संकेत। लगातार चौथी हार के बाद अपनी टीम से निराश हुए केकेआर कैप्टन, बोले अगर हम गलतियां दोहराते रहे तो पिछड़ना तय है। डब्ल्यूटीसी फाइनल को लेकर टीम इंडिया ने बनाया खास प्लान, इंग्लैंड के लिए उड़ान भरेंगे कोच राहुल द्रविड़। चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाया इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर, धोनी की कप्तानी वाली टीम ने बनाया रिकॉर्ड। हनी सिंह को पसंद थी हेल्दी शहनाज, बोले आप पहले ज्यादा अच्छी लगती थी, मेरी फेवरेट लड़की को वेट गेन करना होगा। ट्विटर ने लौटा शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण को ब्लू टिक, आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके इसलिए वापस दिया। उर्वशी रौतेला ने फिल्म किटी को लीगल नोटिस भेजा है, फर्जी खबर शेयर करने का आरोप लगाया, बोली तुम्हारी वजह से मेरा परिवार परेशान है। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए आयुष्मान खुराना, कूल ट्रेंडी लुक में नजर आए, दुबई में लाइव कॉन्सर्ट में शामिल होंगे। जालिमा की शूटिंग के वक्त नर्वस हुई थी मायरा, नोज टू नोज किसिंग सीन पर चढ़ाते थे क्रू मेंबर, शाहरुख भी लेते थे चुटकी। कन्नड़ एक्टर संपत जयराम ने किया सुसाइड, काम नहीं मिलने की वजह से डिप्रेशन में थे, आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती करेंगे बॉलीवुड डेब्यू, फिल्म बैड बॉय की रिलीज से पहले की गई म्यूजिकल पार्टी। सनक गाने के विवाद पर बादशाह ने मांगी माफी, बोले जल्द रिलीज होगा नया वर्जन, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। सोशल मीडिया ट्रोलिंग से परेशान हुए सुनील शेट्टी, बोले ट्रोलर्स बेटी आत्या तक को नहीं छोड़ते, अब कुछ भी कहने से डर लगता है। तेलुगु कॉमेडी एक्टर चलाकी चंटी ने चंटी को दिल का दौरा पड़ा, आईसीयू में चल रहा है अभिनेता का इलाज। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।